नमस्कार आदाब, जेकेबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तराना हयात। आइए देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। भारत 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही इनका निर्माण किया जाएगा, रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। 52 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक गफ्फार अहमद के छावा को मोड़ी जिंदाबाद और जय श्री राम ना बोलने पर कथित तौर पर पीटा गया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 18 हो गई है और शारदा राप्ती व सारयू घाघरा नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से उभर रही है। न्यूजीलैंड में लगातार 100वें दिन कोविड-19 के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई मामला सामने नहीं आया। जोधपुर में एक झोपड़ी से एक परिवार की 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों के शव मिले हैं, जिनमें से 5 बच्चे हैं। एसपी राहुल बरहट ने घटनास्थल पर केमिकल की गंध होने की बात कहते हुए कहा, मौत के कारणों का पता लगा रहे हैं, लेकिन सब ने कोई केमिकल पीकर खुदकुशी की है। एयर इंडिया ने बताया कि केरल में विमान हादसे में मारे गए 16 यात्रियों के शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया। पायलट दीपक वसंत साठे के शव को मुंबई भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बटगाम में रविवार को सुबह के सैर पर निकले बीजेपी नेता हामिद नजर पर आतंकियों ने गोली चला दी। जम्मू कश्मीर में किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता पर पिछले 5 दिनों में यह तीसरा हमला है। शिवसेना संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। यूएस में कोरोना संक्रमण के मामले 50 लाख के पार, अब हर 66 में से एक अमेरिकी संक्रमित, ब्रिटिश न्यूज एजेंसी राइटर्स के आंकड़ों के मुताबिक। हापुड़ उत्तर प्रदेश में 6 वर्षीय बच्ची को उसके घर के बाहर से अगवा कर बलात्कार करने के बाद निजी अंगों पर वार कर खेत में छोड़ दिया गया। सौरभ गांगुली ने कहा कि चिन मोबाइल कंपनी वीवो के साथ आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप निलंबित किया गया। हरियाणा की छात्रा सुप्रिया ने दावा किया है कि राजबोर्ड की 10वीं की परीक्षा में गणित में उसे गलती से 2 अंक दिए गए थे। दोबारा जांच के बाद उसे पूरे 100 अंक मिले। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।